Hey guys, this is Naman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today the date is 25th of May 2020 and we shall be seeing all the important articles that an aspirant must go through from the exam's perspective. Aaj hamare paas near about 6 articles hain from the Hindu. One article is there from Indian Express and we have selected 3 articles from the PIB. So in total we'll be seeing near about 9 articles. Front page ki agar main baat karu the Hindu ke to again yahan pe kuch important nahi hai, but ek news hai with respect to the daily updates of the coronavirus jo hum dekh lete hain, that India is now in the top 10. As recently India has taken over Iran in the terms of number of infections, aur Iran ko cross karne ke baad India ne top 10 countries most affected with the coronavirus mein step in kar liya hai. The good news here apart from this bad news is with respect to the recovery rates and the testing rates. So India ka jo recovering rate hai, that is near about 41%, which is again a good thing and it is continuously increasing. Jo next cheez hai, that is the testing rate, jo again India ne bahut zyada ramp up kiya hai and now India conducts near about 1.5 lakh tests per day. So this was a small update with respect to the coronavirus. So ab hum apne articles dekh lete hain. The first article is on the editorial page. The need for a million work sites now. So this article has been written to emphasize upon the MG Narega. Government abhi recently Atmanirbhar Bharat Abhiyan package leke aayi thi. That is the second fiscal stimulus package of India, जिसमें immediate relief अगर देखी जाए तो relatively कम थी and the more emphasis was given onto the liquidity push. तो liquidity push को further करते हुए government ने public spending जो है उस पर ज्यादा emphasize नहीं करा, जो अभी ना कि सिर्फ migrants और labors की demand है but also it is the demand of the current nature of the economic slowdown which is demand driven. तो जब demand driven slowdown होता है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप supply end पे कितना push कर रहे हो, because जब लोगों के हाथों में पैसा नहीं होगा वो चीजें परचेज नहीं कर पाएंगे एंड देन अगेन द कंजप्शन विल रिमेन लो. तो इसीलिए जो कीनीसियन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है वो यही बोलता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन और रिसेशन यू शुड पंप इन द मनी एंड ट्राई टू प्रोवाइड मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल बाय ईदर डूइंग इट डायरेक्टली, दैट इज आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स कर दो, या आप उनको कोई एक ऐसा वर्क प्रोवाइड करो जिसके ल्यू में आप उनको पे करोगे. तो यहाँ पे कैश ट्रांसफर्स की अगर हम बात करें तो उसके अगेंस्ट में है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया डज नॉट हैव अ रोबस्ट सिस्टम इन प्लेस जो कि टारगेटेड कैश ट्रांसफर्स कर सके इनटू द अकाउंट्स ऑफ द नीडी. तो इंडिया के पास अगर कैश ट्रांसफर करना है तो एक ही ऑप्शन है कि उसको यूनिवर्सल कैश ट्रांसफर करना पड़ेगा, बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि द लिमिटेड अमाउंट दैट वी हैव इट विल बी थिनली स्प्रेड. तो अमाउंट को इतना थिनली स्प्रेड करने का कोई सेंस बनता नहीं है. सो द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन दैट इंडिया हैज इज टू पुश द एमजी नरेगा व्हिच होल्ड्स ग्रेट पोटेंशियल टू बूस्ट द एंटायर रूरल इकोनॉमी. और गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में 40,000 करोड़ रुपीस से इसका बजट को एनहांस किया है और एंड बजटरी प्रोविजंस के थ्रू ऑलरेडी 60,000 इसमें पंप कर चुकी थी गवर्नमेंट पहले ही. इन टोटल अब एमजी नरेगा के पास नियर अबाउट 1 लाख करोड़ रुपीस हैं टू बी स्पेंट. तो इस आर्टिकल में बात हुई है कि एमजी नरेगा को और कैसे इफेक्टिव बनाया जाए ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और लेबर्स हैं जो अपने घर वापस जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स ना फेस हो और कंजप्शन ड्रिवन मेजर्स लिए जाएं सो एज टू बूस्ट द इकोनॉमी. सो द मेजर सजेशंस पॉइंटेड आउट हियर आर द फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ऑन साइट रजिस्ट्रेशन. अभी तक ऐसा होता है कि जॉब कार्ड्स इशू हुआ करते थे लेबर्स को थ्रू दी ई मस्टर रोल्स. तो अगर किसी को जॉब चाहिए तो उसको पहले अप्लाई करना पड़ता था, देन उसको जॉब मिलती थी और फिर वो काम पे जा सकता था यूजिंग दैट जॉब कार्ड, जिसमें अगेन बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं और वर्कर्स को डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है. तो यहाँ पे ये सजेशन है कि वर्कर्स को आप ऑन साइट जॉब रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रोवाइड करो, मतलब जहां पे भी काम हो रहा हो अगर वर्कर वहां पे जाए और रजिस्टर करे खुद को तो उसको वहां पे काम मिल जाना चाहिए. ये जो ई मस्टर रोल वाला सिस्टम है फॉर दी टाइम बीइंग एटलीस्ट आप होल्ड पे रख दो. द सेकंड सजेशन आउट हियर इज विद रिस्पेक्ट टू द कैश वेज पेमेंट्स. अभी तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को यूज करके पेमेंट्स दी जाती थी वर्कर्स को, दैट इज बाय यूजिंग द जैम ट्रिनिटी व्हिच स्टैंड्स फॉर जनधन आधार एंड मोबाइल अलोंग विद द ऑथेंटिकेशन डन बाय द बायोमेट्रिक सिस्टम्स. बट यहां पे ये सजेशन है कि आप अभी जैम को मत फॉलो करो, अभी आप कैश वेजेस प्रोवाइड करो, भले उसमें करप्शन थोड़ा ज्यादा हो या उसमें लीकेजेस थोड़ी ज्यादा हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी नीड इमीडिएट है एंड रूरल एरियाज में एक्सेस करना बैंक्स को थोड़ा डिफिकल्ट होता है. एंड रिसेंटली हमने एक रिपोर्ट भी देखी थी इन दिस सेम रिस्पेक्ट, जहां पे जो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज 1 था, दैट इज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसमें कैश ट्रांसफर्स देने की बात करी टू द वुमेन होल्डिंग जनधन अकाउंट्स. तो एक सर्वे हुआ था, उसने ये बताया था कि 2/3 ऑफ द अमाउंट इज स्टिल लाइंग आइडल एंड हैज नॉट बीन विथड्रॉन येट. तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है स्पेशली इन एक्सेसिंग द बैंक्स एंड द बैंकिंग करस्पोंडेंट्स, वो सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए अभी के लिए कैश वेजेस देना जरूरी है.
जरूरी है. द थर्ड सजेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेंशन इन द लिस्ट ऑफ वर्क्स दैट द एमजी नरेगा प्रोवाइड. तो जो भी परमिसेबल वर्क्स हैं अभी तक एमजी नरेगा में, की लिस्ट को फर्दर एक्सपेंड किया जा सकता है ताकि नंबर ऑफ वर्क्स बढ़े और उससे डिमांड बढ़ेगी, जिससे लेबर्स को ज्यादा काम मिलेगा और पैसा ज्यादा पंप हो सकेगा. फोर्थ इज विद रिस्पेक्ट टू द ओपन एंडेड बजट. सर एमजी नरेगा में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो पेमेंट्स हैं वो टाइमली नहीं होती हैं और काफी ज्यादा अरियर्स बना रहता है एमजी नरेगा के अकाउंट्स पे. और ये इसीलिए होता है क्योंकि इस टाइप का बजट सेट किया जाता है पहले ही. तो एमजी नरेगा जैसी स्कीमों के लिए बजट कुछ भी सेट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी एन ओपन एंडेड स्कीम विद रिस्पेक्ट टू द बजटरी प्रोविजंस. तो इससे जो डिलेस थे पेमेंट में एक वो रिजोल्व हो जाएंगे और जो न्यू वर्क्स की डिमांड आ रही है वो भी हॉल्ट नहीं होंगी. इन सारे सजेशंस के अलावा दो सजेशंस और हैं जो हमने डेली न्यूज नेट्स के पुराने आर्टिकल्स में पढ़े हैं. एंड द फर्स्ट अमंग देम इज विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ द एमजी नरेगा, जिसको एक्सपैंड करने की बात हो रही है सो एज टू इंक्लूड इन इट द स्किल्ड वर्कर्स. तो स्किल्ड वर्कर्स को भी एमजी नरेगा में इंक्लूड करने के सजेशंस पहले आ चुके हैं एंड गवर्नमेंट इसको भी कंसिडर कर सकती है टू फर्दर इम्प्रोवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द एमजी नरेगा एंड टू मेक इट मोर इफेक्टिव. द सेकेंड सजेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द वेज सब्सिडी स्कीम. एमजी नरेगा में जो भी काम होता है उसको अगर लोकल लेवल के एंटरप्राइजेस या इंडस्ट्रीज से लिंक कर दिया जाए तो ना ही सिर्फ स्किल्ड लेबर्स की डिमांड बढ़ेगी बट उन इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिलेगा, बिकॉज वो जो वेज प्रोवाइड करेंगे वो शेयर हो जाएगी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. सो इट्स अ विन विन काइंड ऑफ अ सिचुएशन फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट बिजनेसेस. और इसको अर्बन एरियाज में भी एक्सटेंड किया जा सकता है. तो दीज वर सम ऑफ द सजेशंस विद रिस्पेक्ट टू द एमजी नरेगा. और ये सजेशंस हमेशा यूनिवर्सल है एमजी नरेगा के रिस्पेक्ट में. अगर आपको कभी भी कहीं पे कुछ लिखना हो या बोलना हो, एंड दे ऑल आर नीड ऑफ आर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. हार्डली द 1991 मोमेंट फॉर एग्रीकल्चर. ये अगेन आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 3.0 से रिलेटेड है, बिकॉज वहां पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करी गई थी और उन सारे रिफॉर्म्स में एक रिफॉर्म था विद रिस्पेक्ट टू द APMC's एक्ट, दैट इज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज. तो अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑल द सजेशंस मेड ऑन द एग्रीकल्चर इन दैट अनाउंसमेंट, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मेंशन है, आप वहां से देख सकते हैं. यहाँ पे हम सिर्फ APMC की बात करेंगे और इस आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है उसके बारे में बात करेंगे. तो APMCs बेसिकली आर द मार्केटिंग बोर्ड्स जो कि स्टेट सेटअप करते हैं सो दैट फार्मर्स कैन गो देयर एंड सेल देयर प्रोड्यूस. तो फार्मर्स को चीट ना करे कोई, इसीलिए इस टाइप के मार्केटिंग कमिटीज बनाई जाती हैं जो ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं. और APMCs के अंडर ये मैंडेटरी है कि फार्मर अपने नियरेस्ट मंडी में जाके ही अपना प्रोड्यूस ट्रेड कर सकते हैं और उसके अलावा वो उसको कहीं और सेल नहीं कर सकते हैं. तो इस टाइप के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन्होंने इस APMC के ऑब्जेक्टिव को चेंज कर दिया, दैट इज टू प्रोवाइड बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज एंड सिस्टम फॉर द फार्मर्स. एंड नाउ दीज APMCs आर रनिंग एज अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स जहां पे हाई करप्शन है, हाई चार्जेस हैं और फार्मर्स को उनका रेम्यूनरेशन प्रॉपर नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट्स, बिकॉज वहां पे कार्टल्स फॉर्म हो गए हैं. तो वो लो प्राइस कोट करते हैं फार्मर को और क्योंकि फार्मर के पास कोई ऑप्शन नहीं है उस मंडी के अलावा कहीं और सेल करने का, तो उसे मजबूरन वहां पे सेल करना पड़ता है एट वॉट एवर द प्राइसेस द ट्रेडर्स कोट टू देम. तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में ये प्रोविजन लेके आया गया था कि अंडर आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ये बोलता है कि इंटर स्टेट ट्रेड इज अंडर द सेंटर्स डोमेन और अंडर द यूनियन लिस्ट. तो इस आर्टिकल को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस अनाउंसमेंट में ये बोला कि हम इंटर स्टेट बैरियर फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइज करवाएंगे बाय बाईपासिंग द APMCs एंड देन द फार्मर्स विल बी एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस टू इवन द प्राइवेट प्लेयर्स एज पर देयर चॉइस एंड विजडम. तो इस आर्टिकल से हमें ज्यादा कुछ मटेरियल नहीं मिलता है हमारे काम का, एक्सेप्ट फॉर फ्यू एग्जाम्पल्स. तो इस आर्टिकल के हिसाब से कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने APMCs को रेगुलरली अमेंड किया है एंड उसको बेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी है, और कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने APMC को टोटली रिपील कर दिया लाइक बिहार, और केरला एक ऐसा स्टेट है जिसमें कभी APMC आया ही नहीं, और रेस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं उन्होंने APMCs काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी, लाइक उन्होंने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को डीरेगुलेट कर दिया जो कि इकोनॉमिक सर्वे ने 2013 में रिकमेंड करा था. सिमिलरली प्राइवेट मार्केट्स को अलाउ कर दिया कि वो रन कर सकते हैं इन पैरेलल टू द मंडीज, यूनिफाइड ट्रेडिंग लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया, सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फी प्रोवाइड किया. तो ये जो लास्ट के दो पॉइंट्स मैंने बताए दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द यूनिफाइड ट्रेडिंग लाइसेंस एंड सिंगल पॉइंट लेवी, ये एक्चुअली E-NAM के भी प्रोविजंस हैं, दैट इज द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. तो इस टाइप से स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोशिश करी है APMCs को इंप्रूव करने की और फ्लेक्सिबल बनाने की, बट जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि कंप्लीट
कम्प्लीटली हम APMCs को बाईपास कर देंगे, क्या उससे कुछ फायदा होगा? उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात करी गई है बिहार की, जिसने APMCs को रिपील कर दिया। तो बिहार की केस स्टडी से ये समझ में आता है कि वहां पे APMCs को रिपील करने के बाद ये ऑब्जर्व किया गया, गवर्नमेंट ने मार्केटिंग इंफ्रा पे खर्च करना ही बंद कर दिया और मार्केटिंग फैसिलिटीज जो वहां पे अवेलेबल थी वो डिटेरियोरेट होना चालू हो गई। एंड देन केम दी प्राइवेट प्लेयर्स अगेन इन दी फॉर्म ऑफ कार्टल्स और उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन चालू कर दिया फार्मर्स का। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जब तक ई नैम नहीं एक्टिव होता है तब तक ये पॉसिबल नहीं है फार्मर के लिए कि वो किसी और स्टेट में या फॉर दैट मैटर किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी जाके अपना प्रोड्यूस सेल कर सके। रीजंस ऑब्वियस है इसके पीछे, बिकॉज उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतना लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को बेयर कर सके। तो वो यही कोशिश करते हैं कि भले हमें थोड़ा पैसा कम मिले और हम उस प्रोड्यूस को इमीडिएट सेल कर दें ताकि वो खराब ना हो जाए, बिकॉज स्टोरेज फैसिलिटीज अगेन इंडिया में बहुत पुअर है, स्पेशली एट द लोकल लेवल। तो बिहार ने जब APMC को रिपील करा तो उससे एक्चुअली नेगेटिव इम्पैक्ट देखा गया। APMCs रिगार्डिंग हमने बेस्ट कंक्लूजन देखा था इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में कुछ दिनों पहले, जहां पे ये मेंशन था कि फार्मर्स को एक चॉइस अवेलेबल होनी चाहिए कि इफ दे वांट टू सेल देयर प्रोड्यूस इन दी मंडीज दे कैन गो देयर, एंड इफ दे वांट टू सेल देयर प्रोड्यूस टू सम प्राइवेट प्लेयर और टू सम अदर मार्केट देन दे कैन गो देयर एज वेल। सो हियर द एम्फसिस शुड बी लेड अपॉन द चॉइस ऑफ फार्मर्स। तो आप फार्मर्स को ऑप्शंस प्रोवाइड कर दो APMC के भी और प्राइवेट मार्केट्स को भी आप अलाउ कर दो फंक्शन करने के लिए, तो एक तरीके से कॉम्पिटिशन वहां पे जब क्रिएट होगा तो APMCs अपने आप इंप्रूव होना चालू हो जाएंगे, एंड उससे अल्टीमेट फायदा फार्मर को ही होगा बिकॉज ही और शी विल स्टार्ट गेटिंग बेटर रेम्यूनरेशन फॉर हिज और हर प्रोड्यूस। सो दैट वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द APMC आउट हियर। नाउ लेट अस चेक आउट आवर थर्ड आर्टिकल हियर। सो द थर्ड आर्टिकल इज फॉर फार्म्स एंड फार्मर्स। अब ये आर्टिकल रिसेंटली लॉन्च स्कीम के ऊपर है जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, दैट इज द राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इट इज अ सॉर्ट ऑफ इनकम सपोर्ट स्कीम पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स किए जाएंगे एंड इट्स मोर लाइक PM किसान स्कीम। तो इस आर्टिकल को हम अपने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के साथ देखेंगे बिकॉज वो आर्टिकल भी इनकम सपोर्ट स्कीम पे ही है, तो हम दोनों क्लब करके एक ही साथ देख लेंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। वी हैव कम ऑन टू द पेज नंबर 9। यहाँ पे न्यूज है अगेन विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ, एग्रेसिव PLA फ्लाउट्स प्रोटोकॉल्स। तो इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ एंड डिस्प्यूट्स के ऊपर हमने क्रैकनट्स में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन स्टडी द एंटायर इशू फ्रॉम देयर। इस आर्टिकल में सिर्फ 3 पॉइंट्स मेंशनड है अबाउट द यूनिकनेस ऑफ दिस स्टैंड ऑफ, कि ये स्टैंड ऑफ प्रीवियस स्टैंड ऑफ से कैसे अलग है। तो जो 3 बातें यहां पे मेंशनड है वो हमने क्रैकनट्स में ऑलरेडी कवर करी हुई है, लेकिन हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। सो द फर्स्ट यूनिक थिंग आउट हियर इज दैट द चाइनीज हैव बिकम मोर एग्रेसिव। तो चाइनीज ने एक असर्टिव एटीट्यूड अडॉप्ट किया है रिसेंट में विद इंडिया, जिसके कारण चाइनीज ट्रूप ज्यादा एग्रेसिवली एक्ट कर रहे हैं और ऐसा पहले देखने को नहीं मिलता था। द सेकंड यूनिक थिंग इज दैट द सोल्जर्स एट द बॉर्डर आर आउटनंबर्ड, मतलब चाइनीज सोल्जर्स जो हैं वो क्वांटिटी अगेन ऐसा पहले नहीं देखने को मिलता था बिकॉज कुछ पेट्रोलिंग ट्रूप्स ही बस वहां पे पेट्रोल किया करते थे, लेकिन अभी जो फोर्सेस हैं वो हंड्रेड्स में हैं वहां पे। सो द थर्ड यूनिक पॉइंट आउट हियर इज द नंबर ऑफ लोकेशंस वेयर दिस काइंड ऑफ स्टैंड ऑफ्स आर टेकिंग प्लेस। तो टोटल 4 जगहों पे स्टैंड ऑफ्स हो रहे हैं, जिसमें से 3 वेस्टर्न सेक्टर में है और 1 ईस्टर्न सेक्टर में है। तो वेस्टर्न सेक्टर में जो 3 है, द फर्स्ट इज देमचौक पेंगोंगसो, सो स्टैंड्स फॉर लेक, एंड द थर्ड इज द गलवान वैली दैट इज मेड बाय द गलवान रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक, और जो ईस्टर्न सेक्टर में एक एरिया है दैट इज द नकुला एरिया। तो ये जो मल्टीपल लोकेशंस पे स्टैंड ऑफ देखे जा रहे हैं, दिस इज अगेन अ न्यू पॉइंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ, थाउजेंड्स रैली इन हांगकांग अगेंस्ट लॉ। तो रिसेंटली चाइना ने एक ड्राफ्ट नेशनल सिक्योरिटी लॉ टेबल करा है अपने NPC में, दैट इज द चाइनाज पार्लियामेंट, और उस लॉ से वो अपना रिलेशन जो है विद हांगकांग उसको ऑल्टर करने की कोशिश कर रहा है बाय डेविएटिंग फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम्स। बिकॉज हांगकांग को जब ब्रिटिशर्स ने 1997 में चाइना को हैंडओवर करा था तो एक बेसिक लॉ वहां पे डिफाइन करा था जो कि एक टाइप का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है एंड विच डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन हांगकांग एंड चाइना। तो इस लॉ ने हांगकांग को सफिशिएंट ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी हुई है विद रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेटिव फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, एंड आल्सो हांगकांग एंजॉयज इट्स ओन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जो सिक्योरिटी लॉ चाइना लेके आने की कोशिश कर रहा है उसके अंदर 2 कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द 3S, यहां पे जो 3S है दैट इज द सेडिशन, सबवर्शन, सक्सेशन
एंड ये जो टी है दैट इज द ट्रेजन। तो ये चारों चीजों को यूज करके चाइना अपने मेन लैंड पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेस्ट को रेस्ट्रिक्ट करता है और अब ये चीजें वो हांगकांग पे भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। द सेकंड कंट्रोवर्शियल थिंग इन द लॉ इज दैट द नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द चाइना कैन नाउ एस्टैब्लिश देयर ऑफिसेस इन हांगकांग एंड रन इन पैरेलल विद द सिटीज एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे अगेन हांगकांग की ऑटोनॉमी पे अफेक्ट आएगा। तो ये इशू हमने बहुत डिटेल में अगेन कवर करा है अपने क्रैक नेट्स में, आप इसे वहां से स्टडी कर सकते हैं। एंड दिस इशू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो यू मस्ट हैव अ डिटेल्ड आइडिया अबाउट द चाइना एंड हांगकांग रिलेशन एंड ऑल्सो अबाउट द सिक्योरिटी लॉ, इट्स प्रोविजंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेम। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, घानी वोज टू एक्सपेडाइट प्रिजनर्स रिलीज। अफगान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी और तालिबान के बीच में फाइनली एक डील हुई है, दैट इज द सीज फायर डील, जिसमें अफगान गवर्नमेंट कुछ तालिबान प्रिजनर्स को रिलीज करेगा और तालिबान जो है वो सीज फायर करेगा कुछ टाइम के लिए। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंट्रा अफगान टॉक्स। अफगान इशू को हम अगेन डेली न्यूज नेट्स में कवर करते आए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ दे देता हूँ फॉर द क्विक रिवीजन। तो सितंबर 2018 में अफगानिस्तान में इलेक्शंस हुए और वो इलेक्शंस का रिजल्ट क्योंकि कंक्लूसिव नहीं था, तो दोनों लीडर्स बोथ ऑफ देम डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज द प्रेसिडेंट और उसके कारण वहां पे डेडलॉक हो गया। यूएस एज यू ऑल नो इज ट्राइंग टू विदड्रॉ फ्रॉम द अफगानिस्तान सिंस द ओबामा एरा। ट्रंप हैज फर्दर रिन्यूड दैट एंडेवर ऑफ द यूएस टू विदड्रॉ फ्रॉम द अफगानिस्तान। तो यूएस ने तालिबान के साथ डील करी इन दोहा, विच इज अगेन कॉल्ड एज यूएस तालिबान दोहा एग्रीमेंट, विच वॉज डन इन 2020 जनवरी, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि यूएस ट्रूप्स ग्रेजुअली विड्रॉ करेंगे अफगान सॉइल से और उसके रिटर्न में अफगानिस्तान ये इंश्योर करेगा कि वो कोई भी अटैक ना करे नाटो पे और यूएस फोर्सेस पे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कंडीशन ये थी कि तालिबान ये भी इंश्योर करेगा कि अफगानिस्तान सॉइल को वो यूज नहीं करने देगा किसी भी अदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को लाइक अलकायदा और दी ISIS। तो ये दो कंडीशन अगर तालिबान फॉलो करता है तो यूएस ना ही सिर्फ एक्सपेडाइट करेगा इट्स विदड्रॉल, बट ऑल्सो इट विल पार्शियली लिफ्ट सम ऑफ द सैंक्शंस फ्रॉम द तालिबान एंड विल ऑल्सो आस्क यूनाइटेड नेशंस टू लिफ्ट सम ऑफ द सैंक्शंस फ्रॉम द तालिबान। देन इसके बाद यूएन ने टॉक्स कंडक्ट करवाई अफगानिस्तान के ऊपर, दैट इज 6+2+1 टॉक्स। 1 इज अफगानिस्तान, 2 इज यूएस एंड रशिया एंड 6 आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, दैट इज ईरान, चाइना, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो इसमें इंडिया एब्सेंट था और इंडिया के एब्सेंस को लेके ये रीजन दिया गया कि इंडिया डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद अफगानिस्तान, तो इंडिया को नहीं बुलाया जाएगा। बट द फैक्ट इज दैट द इंडिया डज नॉट सपोर्ट द यूएस तालिबान टॉक्स बिकॉज इट डज नॉट वॉन्ट टू गिव लेजिटिमेसी टू द तालिबान। देन इसके बाद एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ जहां पे अशरफ घानी और अब्दुल्ला ने फाइनली एक डील साइन कर ली और अशरफ घानी को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया एंड अब्दुल्ला ने हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन का प्रेसिडेंट बनना चूज किया। तो ये जो हाई काउंसिल ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन है ये बेसिकली पीस डील ब्रोकर करता है, सो इट इज अ काइंड ऑफ पोस्ट विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इफ यू सी इट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज यही पूरे पीस प्रोसेस को स्टीयर करेगा। इन सबके बीच में जालमे खलीलजाद इंडिया आए थे और उन्होंने इंडिया को ये बोला दैट इंडिया शुड डायरेक्टली टॉक टू द तालिबान विद रिस्पेक्ट टू ऑल इट्स सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड इंडिया शुड आल्सो गो फॉर मोर एक्टिव रोल इन अफगानिस्तान। तो इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट तालिबान से टॉक्स नहीं करना चाहता है बिकॉज इट डज नॉट वॉन्ट टू गिव लेजिटिमेसी टू तालिबान। मॉस्को फॉर्मेट हुआ था 2018 में जहां पे इंडिया ने अपना अनऑफिशियल प्रेजेंस रखा था एंड ये मॉस्को फॉर्मेट अगेन तालिबान के साथ ही हुआ था रशिया का, बट जस्ट बिकॉज इट वॉज रशिया फैसिलिटेटिंग द पीस प्रोसेस विद तालिबान तो इंडिया ने वहां पे अपना अनऑफिशियल प्रेजेंस रखा था, लेकिन वहां पे भी इंडिया ऑफिशियली प्रेजेंट नहीं था। तो इंडिया ने जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है अफगानिस्तान में, दैट इज द डील बिटवीन अब्दुल्ला एंड अशरफ घानी, उसको वेलकम करा है बिकॉज इंडिया बिलीव दैट अफगान पीस प्रोसेस शुड बी अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंडिया की अफगान पॉलिसी समझनी है तो, और इसीलिए इंडिया ने ये रीसेंट डील बिटवीन घानी एंड अब्दुल्ला को वेलकम करा है। तो ये सारा जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफ में बताया, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रा अफगान टॉक, बिकॉज अगर अफगान गवर्नमेंट तालिबान के साथ कोई डील नहीं कर पाई तो यूएस और तालिबान की डील का कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज इन अ कंट्री देयर कैन नॉट बी टू गवर्नमेंट्स, दैट इज तालिबान गवर्नमेंट एंड अफगान गवर्नमेंट। तो इंट्रा अफगान टॉक्स होना सबसे क्रूशियल है और इंडिया भी इंट्रा अफगान टॉक्स को सपोर्ट कर रहा है बिकॉज इट बिलीव्स दैट अफगानिस्तान पीस प्रोसेस शुड बी
led by Afghanistan, owned by Afghanistan and controlled by Afghanistan. इस न्यूज से एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द इंट्रा अफगान टॉक कि तालिबान और अफगान गवर्नमेंट फाइनली हैव ब्रोकर्ड अ सीज फायर डील और ये मोमेंटम को सस्टेन करना बहुत जरूरी है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. कैश ट्रांसफर्स फॉर फार्मर्स. तो जैसे कि हमने ऊपर कुछ डिस्कस करा था रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ न्यू स्कीम विच इज अ काइंड ऑफ इनकम सपोर्ट स्कीम ऑन द लाइंस ऑफ पीएम किसान. पीएम किसान सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर्स को इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ अबाउट 6,000 पर फैमिली पर ईयर. तो वो सारे फार्मर्स जिनकी लैंड 2 हेक्टेयर से कम है उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा. तो इस टाइप की स्कीम्स काफी स्टेट्स ने निकाली हैं. लाइक ओडिशा ने अपनी कालिया स्कीम निकाली थी विच वॉज इन न्यूज फॉर लॉन्ग टाइम. वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड अब छत्तीसगढ़. तो ये सारे स्टेट्स ने अपनी अपनी इनकम सपोर्ट स्कीम निकाल ली. बट जो इनकम सपोर्ट स्कीम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है कि ये लैंड होल्डिंग फार्मर्स को सपोर्ट करती है और लैंडलेस फार्मर्स और जो लैंड टेनेंट्स हैं उनको कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा. तो अगर हम लैंडलेस फार्मर्स या लैंड टेनेंट्स की बात करें इंडिया में तो वो नियर अबाउट 10% है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल एस्टीमेट्स. बट अनऑफिशियल एस्टीमेट्स उनको नियर अबाउट 20-30% रखते हैं. तो इतने लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं इंडिया में जिनके लिए किसी प्रकार का इनकम सपोर्ट नहीं है. इनकम सपोर्ट ऑल्दो इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज आप डायरेक्टली फार्मर्स के हाथ में पैसा दे रहे हो और उसमें लीकेजेस नहीं है. फार्मर्स अपने विजडम के हिसाब से उस पैसे को यूज कर सकता है एंड इट प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ सपोर्ट और कशन टू दोस फार्मर्स. बट जो सेकेंड प्रॉब्लम है इनकम सपोर्ट स्कीम्स में वो है कि सारे स्टेट्स अलग अलग स्कीम्स निकाल रहे हैं. देयर शुड बी अ मर्जर ऑफ ऑल द स्कीम्स बिकॉज एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए स्कीम्स में ताकि जो भी हम कैपिटल उसमें लगा रहे हैं उसका एक बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके. देयर आर टू रिकमेंडेशंस आउट हियर विद रिस्पेक्ट टू द इनकम सपोर्ट स्कीम. द फर्स्ट इज दैट यू आइडेंटिफाई द लैंडलेस. अभी तक इंडिया में लैंडलेस फार्मर्स का कोई सेंसस नहीं हुआ है. एक इस तरीके से कोई रोबस्ट डेटा कलेक्शन होना चाहिए जिसमें लैंडलेस फार्मर्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको इस टाइप की इनकम सपोर्ट स्कीम्स एक्सटेंड करी जाए. द सेकंड सजेशन आउट हियर इज टू सिंक्रोनाइज एमजी नरेगा विद द फार्म ऑप्शंस. तो इससे वही बेनिफिट होगा जो हमने ऊपर देखा था वेज सब्सिडी स्कीम में कि आप यहाँ पे फार्मिंग के लिए एमजी नरेगा को यूज करो तो इससे इनकम सपोर्ट स्कीम भी रैशनलाइज होगी. जो कॉस्ट है उसकी वो भी जस्टिफाइड रहेगी और एमजी नरेगा के थ्रू वर्कर्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और प्रोड्यूस रिलेटेड जो फार्मर्स दिक्कतें फेस करते हैं वो नहीं करनी पड़ेंगी. तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स आउट हियर विद रिस्पेक्ट टू द इनकम सपोर्ट स्कीम एंड द न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट. नाउ लेट अस सी 3 आर्टिकल्स फ्रॉम द पीआईबी. फर्स्ट आर्टिकल फ्रॉम पीआईबी इज वन धन फॉर जान एंड जहान द स्टोरी ऑफ शाहपुर्स कतकरी ट्राइब. सो द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग आउट हियर इज कतकरी ट्राइब. आपको कतकरी ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए और इससे एसोसिएटेड जो भी कीवर्ड्स हैं आपको उनकी एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. मैं आपको यहाँ पे ब्रीफिंग दे देता हूँ अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. कतकरी ट्राइब एक PVTG है दैट इज द पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया. इंडिया में ऐसी PVTG सिर्फ 75 है. ऑल्दो देयर आर मोर देन 700 ट्राइब्स इन इंडिया बट PVTG जो है वो 75 है. तो PVTG का जो क्राइटेरिया है दैट इज इंपॉर्टेंट. बेसिकली 4 क्राइटेरिया होते हैं PVTG के. द फर्स्ट इज प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी. मतलब वो ट्राइब प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को यूज करनी चाहिए लाइक दैट of hunting and gathering. The second criteria is that there should be zero or the negative population growth. The third is that they should have extreme low literacy. The word extreme is important out here. And the fourth is that their economic status should be subsistence in manner. Subsistence मतलब ये होता है कि वो जो भी produce करते हैं वो self consumption के लिए करते हैं और वो उसे sell out नहीं कर पा रहे हैं. तो ये 4 criteria में से अगर कोई भी एक criteria कोई भी एक tribe follow करती है तो उसे PVTGs के अंदर डाल दिया जाता है. दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स. और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स इंडिया के 18 स्टेट्स में मिलती है देखने को, जिसमें से एक महाराष्ट्र है जिसमें 3 PVTGs हैं और उन 3 PVTGs में से एक कतकरी ट्राइब है. तो इस आर्टिकल में मेंशन है अबाउट एन NGO जिसने कतकरी ट्राइब को हेल्प आउट करा कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सेल आउट कर सके मार्केट में. तो यहाँ पे अगेन एक स्कीम मेंशन है दैट इज द प्रधानमंत्री वन धन योजना. इज रिटेल मार्केटिंग लेड वैल्यू एडिशन and it applies only to the minor forest produce. So minor forest produce जो भी होते हैं like tendupatta और some herbs found in the forest, चीजों में value addition करके उनकी marketing की जाती है retail markets में.
वो सारा काम करती है प्रधानमंत्री वनधन योजना, एंड ये करती है ये सब बाय ऑर्गेनाइजिंग दी वनधन एसएचजी। तो ऐसी सारी ट्राइब्स को कलेक्ट करके उनको ऑर्गेनाइज करके एक एसएचजी फॉर्म किए जाते हैं, दैट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एंड देन वैल्यू एडिशन का काम किया जाता है ताकि वो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं उनको मार्केट में सेल आउट किया जा सके। तो कतकरी ट्राइब्स ऐसे ही एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करती है, दैट इज जिलॉय। जिलॉय बेसिकली एक हर्ब है और ये वायरल फीवर और मलेरिया में यूज की जाती है। तो उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन करके एंड बाय यूजिंग दी प्रधानमंत्री वंदन योजना, इस एनजीओ ने जिलॉय को मार्केट में सेल आउट करने में हेल्प करी। इस आर्टिकल से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। एचआईएल इंडिया गियर्ड टू प्रोवाइड लोकस्ट कंट्रोल पेस्टिसाइड टू ईरान। लोकस्ट अटैक्स अभी रिसेंट न्यूज में है, हमने इसको कवर करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दी है। टू नो अबाउट द लोकस्ट अटैक्स इन डिटेल यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक। लोकस्ट अटैक्स को टैकल करने के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स जिनको मेलेथियन भी बोलते हैं, तो वो मेलेथियन पेस्टिसाइड्स इंडिया ने मैन्युफैक्चर करे और ईरान को प्रोवाइड करे। सो द ओनली थिंग इंपॉर्टेंट आउट हियर इज दैट इंडिया हैज हेल्प्ड ईरान विद सच काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एंड दिस रीइंफोर्सेस द आइडिया ऑफ इंडिया और द फिलॉसफी ऑफ इंडिया दैट इज वासुदेव कुटुंबकम। तो ये आप अपने एथिक्स में यूज कर सकते हैं और आप इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी इंक्लूड कर सकते हैं जो इंडिया ने यूएस को प्रोवाइड करी थी इन द टाइम ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक। सो डिस्पाइट बीइंग इन ट्रबल वी आर हेल्पिंग आउट अदर नेशंस एंड दिस इज द कल्चर एंड फिलॉसफी ऑफ इंडिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। मिशन सागर आईएनएस केसरी एट पोर्ट लुइस मॉरिशियस। तो मिशन सागर एक इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन एड मिशन है जिसके थ्रू इंडिया कोरोना वायरस पेंडेमिक में अफेक्टेड कंट्रीज, स्पेशली कंट्रीज लोकेटेड इन द आईओआर रीजन, दैट इज द इंडियन ओशियन रीजन, उन सारी कंट्रीज को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है बाय प्रोवाइडिंग द एसेंशियल मेडिसिन। तो इस आर्टिकल में ये मेंशन है कि मिशन सागर के थ्रू आईएनएस केसरी ने मॉरिशियस को हेल्प करी by providing the essential supplies, and this mission sagar is part of the sagar policy that is security and growth of all in the region, which is again the foreign policy of india with respect to the indian ocean and the littoral states, jisko hum ior ke through deal karte hain. to is article se again from the prelims point of view aapko mission sagar pata hona chahiye aur aap is cheez ko gs2 and even gs4 mein use kar sakte hain as an example. with this article guys we shall wrap up the daily news nuts of the day. please check out all the links mentioned in the description box below, or you can directly check out our cracknuts initiative. please post your queries, suggestions, doubts in the comment section below. keep learning guys. thank you.